गुड मॉर्निंग गाइस, आज है वेनसडे और मैं निकल रहा हूँ तैतालीस के यार ड्रोन उड़ाने की छुट्टी है यार। उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा चल रहा है सब। नहीं नहीं कर ली है, तैयार हो गए निकलने के लिए। आई नो बहुत लोग कह रहे होंगे यार ये कपड़े तो सेम ही लग रहे हैं इसके, बट उसका रीजन है भाई, का रीजन ये है कि मैंने अभी अपने अटैची पूरी खोली नहीं है। काफी सारा सामान जो है वो मैं जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक खोला ही नहीं है माल। अब मैं सोच रहा हूँ मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इधर ही चलते हैं। आज थोड़ा सा दिन खुला है यार, कल तो पूरे दिन बारिश ही हो रही थी, बट अभी भी क्लाउडी है। कपड़े भी धोने हैं, समझ नहीं आ रहा कपड़े धोए नहीं धोए। वैसे मेरा लॉन्ड्री इंक्लूडेड है, ये बड़ी सही बात है ऐसे एयरबीएनबी की। भाई ने पूरा वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक प्लस रिंस सर्फ जो भी कहो वो भी रखा हुआ है। हालांकि मैं भी लाया हुआ हूँ 1 किलो लेकर आया हुआ हूँ। और अभी चलते हैं जरा ड्रोन वोन उड़ाते हैं। इसके बाद मैंने जाना है आज गुरुद्वारे, न्यू लिन के पास है गुरुद्वारा ऑकलैंड में। मैं पहले भी गया था इस गुरुद्वारे में लेकिन मेरे को सही लगा था यार, मतलब मैं लंगर खा कर आया था वहाँ पे। ये देखो सफाई चल रही है, घास कट रही है, जूम करके दिखाता हूँ। ये घास काट रहे हैं भाई इसको इवन करने के लिए, पब्लिक ग्राउंड टाइप है यार, थोड़ा फुटबॉल वुटबॉल भी खेलते हैं। इस साइड जाते तो पैकिंग से ही आता है, इस साइड जाते तो मेरे कॉलेज का रास्ता है। बट यार मसला ये है कि मैं अभी ड्रोन उड़ाऊँ नहीं उड़ाऊँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल इस साइड पर चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। घास कट रही है भाई, ग्राउंड को इवन कर रहे हैं, एडवांस है बड़े। ड्रोन उड़ाना शुरू ही किया था, मजे तो आ रहे थे बड़े उड़ाने में, सब कुछ हरा भरा है ना साफ साफ लगता है। लेकिन तब तक पनौती है यार, बारिश आ गई है, ऐसे काले बगल छाए हुए हैं सुबह से। मैं बैठा था यहाँ स्टेडियम में, खाली पड़ा था यहाँ, मैंने कहा उड़ा लेते हैं। अपना देश नहीं है ना तो पता नहीं है यार कि कोई क्या टोक दे क्या बोल दे, भाई चेकिंग वेकिंग करा दे। वैसे तो ड्रोन लीगली अलाउड है 249 ग्राम्स के नीचे, मेरा वाला 249 ग्राम्स का ही है। मेरा DJI मिनी मेविक 2 कॉम्बो है, पूरी किट है इसकी। पहले इसको उड़ा उड़ा के मजा तो आ रहा था मेरे को बहुत, लेकिन अभी बारिश आ गई है, दिख रहा होगा मेरे चश्मे में भी पानी गिर रहा है। अब मैं चलता हूँ वापस घर, थोड़ा बहुत सामान उठा के, मतलब छतरी रेनकोट और ये सारा सामान उठा के मैं चलता हूँ गुरुद्वारे जाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो बारिश का ना बड़ा गलत सीन है यार यहाँ पे, मेरे ख्याल से हरियाली भी इसलिए रहती है ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि बारिश बहुत होती है। मौसम भी साफ ही है, हवा हवा साफ है, ड्रोन तो उड़ाने का कोई फायदा नहीं था, खराब ही हो जाता। गुरुद्वारे चलते हैं, गुरुद्वारे में चल के लंगर खाते हैं, मत्था टेकते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा है गुरुद्वारा। बहुत सही वाइब है आज की वैसे, क्योंकि मेरे पास काम भी कुछ खास नहीं है, मेरा असाइनमेंट कल हो गया था। असाइनमेंट से याद आया यार, असाइनमेंट की इतनी बड़ी भसड़ है ना यहाँ पे भाई, हर 2 दिन में यहाँ पे असाइनमेंट में असाइनमेंट आ रहे हैं। अब वो करने में पूरा दिन निकल जाता है क्योंकि उसमें रिसर्च बहुत होती है, तो वेबसाइट से आप लोग कर सकते हो, आर्टिकल से साइटेशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो न्यूजीलैंड में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं पढ़ रहे हैं, स्पेशली मास्टर्स, उनको पता होगा, मास्टर्स में तो ले लेते हैं भाई। ये भी एक लफड़ा है, यहाँ पे अंकल जी अपना यंत्र ठीक कर रहे हैं घास काटने का। बारिश से याद आया यार, बड़ा मन कर रहा है यार, पकौड़े मिल जाते ना, छोले भटूरे टाइप कुछ मिल जाते, चाय मिल जाती बनी बनाई, बड़ी याद आती है यार इंडिया की इस चीज में तो, स्पेशली पकौड़े और छोले भटूरे के नाम पे। तो चलो कोई बात नहीं भाई, सह लेंगे। निकल गए हैं भाई घर से, अब जा रहे हैं अपन लोग गुरुद्वारा न्यू लिन के पास। आ जाके लंगर खाएंगे, मथा टेकेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे भगवान जी का, जिससे कि हमारी पढ़ाई वढ़ाई भी सही चलती रहे और हमारे बाकी काम भी होते रहे न्यूजीलैंड में। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे डिस्कस करनी थी, या हो सकता है बाद में करूँगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ उसके लिए। मुझे एक्चुअली ये चीज़ बतानी थी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक स्टूडेंट को या कोई एक इंडिविजुअल को बताना चाहिए जब वो न्यूजीलैंड आ रहा है, एंड स्पेशली फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आई एम नॉट सेइंग फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, कोई लॉन्गर पीरियड के लिए आ रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंडियंस को पता होनी चाहिए या प्रोबेबली
रूल्स बोले, और ये चीजें थोड़ी बहुत अगर पहले से पता रहे, गाइडेंस मिल जाए तो काफी काम बन जाता है। हमको नहीं था, कुछ चीजों का अंदाजा था, कुछ चीजों का नहीं था, तो वो चीजों की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और कैसे क्या है, कोई भी सवाल है ना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फ्लाइट को लेके, वीजा को लेके, कुछ भी है, तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दूंगा। दो आई एम नॉट एन ऑथराइज्ड एजेंट, बट ऑफकोर्स जो मेरी जर्नी में मैंने इनकर किया है, जो भी मेरे साथ हुआ है, मैं वो शेयर कर सकता हूँ कि कैसे वो चीजें ठीक हो सकती हैं। भाई यहाँ तो डकना रोड पे घूमती रहती है, ये देखो ये लोगों ने ना पाली हुई है, मेरे ख्याल से यही घूमते हुए दिखती है मुझे रोज, क्यूट सी है। चलो जी बाय बाय, मिलेंगे ब्रेक के बाद। मैंने पकड़नी है मेट्रो, मैंने जाना है माउंट एल्बर्ट। अरे हाँ यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो बताना भूल ही गया, हम लोगों ने भाई घर फाइनल कर दिया है। मेरे को याद ही नहीं आया, मैं तब से ये चीज़ों को लेके घूम रहा था। हम लोगों ने न्यू विंडसर में घर फाइनल कर दिया है, और हम लोग जा रहे हैं न्यू विंडसर में ना, जो 2 BHK वो 3 BHK फ्लैट है वैसे तो, वहाँ पे एक ऑलरेडी एक बांग्लादेशी फैमिली रह रही है, और अब हम लोग, मैं और एरिक वहाँ जाके रहेंगे। वहाँ पे किराया विराया सब सेट हो गया, सारी बात फाइनल हो गई, फुली फर्निश्ड हाउस है, मेट्रो के भी पास है, बस स्टॉप के भी पास है। अभी अभी मैंने जाना है पहले श्रेय के पास, श्रेय की शॉप है भैया की, तो वहाँ पे वो बैठा हुआ होगा अभी, उसको मिल के फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे न्यू। और मेरे को अपना डेबिट कार्ड भी कलेक्ट करना है आज, BNG का फोन आया था, क्योंकि अभी मेरा एड्रेस नहीं है ना, मेरा एड्रेस एक्चुअली इंडिया का सबमिट हो रखा है, तो मुझे अपना डेबिट कार्ड भी उठाना है। चीज़ें बड़ी याद आती है कैमरा में देख देख के, ठीक है बात। घास कट रही है भाई, ये पूरा शेप दे रहे हैं अपने पौधों को मशीन से। भाई घर देखो इतने प्यारे प्यारे हैं, हालांकि पता है ये माउंट एल्बर्ट जो है ना, ये आता है सब अर्बन इलाके में, इसको विलेज में काउंट करते हैं, सिटी में नहीं काउंट करते। इन्होंने ना मेंटेन कर रखा है यहाँ की, ऑकलैंड काउंसिल ने काफी स्ट्रिक्टनेस कर रखी है कूड़े वूडे को लेके, काफी सारी चीजों को लेके। चारों तरफ देखो इतनी सफाई दिखती है, इतना सुंदर दिखता है। ये जो फ्लावर्स भी है ना, ये बहुत फ्लरिश करते हैं यहाँ पे, ये लोग लगा तो देते हैं ऑफकोर्स बीच बीच को के, ये सारा तो ये करते ही है, लेकिन इनके जो फ्लावर्स है ना, ये उगते भी बहुत बढ़िया है, प्यारे प्यारे लगते हैं बड़े। साला ऐसे लगता है फोटो है, हालांकि मैं तो अभी यहाँ पे हूँ देख रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन किसी को मैं अगर दिखाऊँ ना तो ऐसे लगता है कभी कभी कि साला VFX या स्पेशल इफेक्ट्स ही लगा रखे। इतना क्लीन एनवायरनमेंट है, आसमान ही देख लो पीछे, सुपर क्लीन, सही है भाई। मेट्रो पे पहुंच गए हैं, अब देखो इस पे ना मेट्रो कैसे आती है, दिखाते हैं कि ये वाला जो है इसमें दिखा रहा है स्टार, इसका मतलब कि ये आने वाली है, फिर बाद वाली आएगी 30 मिनट में। टाइम के हिसाब से चलते हैं, इनकी बसेस भी ऐसी चलती हैं टाइम के हिसाब से, 1-2 मिनट ही ऊपर नीचे होती है। चलो भाई आ गई ट्रेन, ट्रेन पकड़ लेते हैं, पहुँचते हैं न्यूलिन, ओके बाय। मिल गई भाई अर्जुन सुपरमार्केट, मिल गई मेरे को, गलती से मिल गई, मैं इसको ढूंढ नहीं रहा था। यहाँ पे मिलता है अपना सारा इंडियन माल। मैं तो श्रेय के पास जा रहा हूँ कि शॉप पे उसके भैया की, लेकिन ये टकरा गई, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, यहाँ से मैं अपना माल ले लूँगा सारा, एक बार शिफ्ट हो जाऊँ, उसके बाद फिर चावल अवल दाल यहीं से उठा लूँगा सारी, पर रेट देख सकता हूँ मैं जाके, अच्छा हो जाता है कभी कभी रस्ते रस्ते में चलते चलते। अब यहाँ पे ना फ्लैटिंग सिस्टम भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो सारे के सारे फ्लैट्स हैं, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये सारे फ्लैट्स हैं, ये जैसे हमारे इंडिया में होते हैं तो फ्लैट्स भी होते हैं यहाँ पे, हालांकि इनकी कॉस्ट बहुत होती है, ये भी हैं, ये पीछे भी बने हुए हैं, इनफैक्ट अगर आप वहाँ देखोगे तो वो भी फ्लैट्स हैं सारे, तो न्यूलिन के आसपास काफ़ी फ्लैट्स हैं। जनरली क्या है, मल्टी स्टोरी होते नहीं है, बढ़िया है, मेरे को सही लगा यार सीन, ये वाला अच्छे लग रहे थे, पता नहीं कितनी कॉस्ट है, पर सुनने में आया है महंगे, देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं भाई, यहाँ पे तो दुकानें ही दुकानें हैं, एवोकाडोस, बढ़िया बढ़िया। हमने जाना है वहाँ पे एक्सप्रेस मार्ट, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, ये दिख रहा आप दिखेगा, इधर जाना है हमने एक्सप्रेस मार्ट में, बैठा हुआ है भाई बाहर। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो नहीं कर रहा है यहाँ भैया की दुकान पे? जस्ट किडिंग। आ गए हैं डॉक्टर श्रेय, इतना कंटेंट दो, कंटेंट ही देते रहना भाई, क्या हाल है, ये वाली है अरे दाल फ्राई MTR पाव भाजी भाई सब है, ये तो बढ़िया है यार, यहाँ पे तो सब सारा सामान है, गिट्स का भी है, बटर चिकन बिरयानी ग्रेवी मिक्स सारा सामान है भाई यहाँ पे, तो जो मर्जी बोलो यहाँ मिल रहा है। ये तो मैं लाद के लाया हूँ बैग में, $4 का एक्सक्लूडिंग गुलाब जामुन MTR पैक्स, नाइस नाइस नाइस। पनीर पनीर भी है, पराठे भी हैं यार, ये इनमें से कुछ पिक कर सकता हूँ मैं,
हक्का नूडल्स। सामान तो सभी ऑलमोस्ट है, मैंने अदरक ले लिया पता है ज्यादा, 300 ग्राम ले लिया अदरक। करेला भी है भाई कटा हुआ, वेरी गुड यार। मिर्ची विर्ची भी है भाई, लूज नहीं है ना मिर्च, मेरे को ऑमलेट में डालने के लिए चाहिए। ग्रीन चिली मिल गई, मिल गई, कोई बात नहीं। लेकिन ये रेट्स तो यही है, पराठे पराठे सब है भैया, चिली पराठा, गार्लिक पराठा, प्लेन पराठा भी है, रोटियाँ भी हैं। ये रेट है रोटियों के, वॉश करके देख लेना। $4 का है, $1.50 का समोसा है भाई, $2 की कचौड़ी, 70 रुपये का समोसा है। राइस वाइस भी है भाई इंडिया गेट के, इतने का है इंडिया गेट वाला। ये रहा भाई बासमती $32-33 का है। ये खाते हैं हम वहाँ पे बैक एट होम। ये है कुछ $13-14 का पड़ेगा ये रोज़ाना, ये लेके जाएंगे बाद में, 100 भी आ जाए। तो जी आ गए हैं, BNC बैंक जा रहे हैं, मेरे डेबिट कार्ड आया हुआ है यहाँ पे और मेरे को अपना कार्ड कलेक्ट करना है। डॉक्टर श्रेय भी आए हुए हैं मेरे साथ। हेलो। तो यहाँ से अपना कार्ड वार्ड कलेक्ट करके थोड़ा पैसे वैसे ट्रांसफर भी करने हैं वो करके, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे गुरुद्वारे की साइड पे, उसके बाद निकलेंगे वापस अपने घर। ब्रेड उठा लिए, पराठे उठा लिए भाई, अर्जुन मार्केट बहुत सही है यहाँ पे, सारा इंडियन माल मिल रहा है। ऐसा लग रहा था सही में कि किसी अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में आ गए घर के पास। गाने भी हिंदी पूरी वाइब दे रखी है। चलते हैं आगे, BNC का काम निपटाते हैं। ये रहा सिस्टर्स, ढूंढो कहाँ हैं ब्रदर्स। चलो जी BNC आ गए हैं, अपना काम निपटाते हैं। चलो 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 चलो, गुरुद्वारा श्री गुरु हरकिशन साहिब जी न्यू लेन वाला। ये डॉक्टर श्रेय चल रहे हैं आगे आगे, शूज उतार लेते हैं। तो जी गुरुद्वारे में हम लोगों ने लंगर खा लिया है और मत्था भी टेक लिया था, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। दिन आज खुला हुआ है, वैसे क्लाउडी है बट धूप भी अच्छी खासी हो रही है। बैंक के भी काम हो गए हैं, अब सुस्ताने का टाइम आ गया है। श्रेय जा रहा है अपनी शॉप पे वापस, मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मिलते हैं बहुत जल्द। बाय। Everything is not